नमस्कार कैसे आप लोग गाइस, स्वागत करते हो आप लोग चैनल मचे में। स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। मैंने कर रही हूँ वर्ल्ड कप मैच नंबर 13 जिसमें आयरलैंड वर्सेस कनाडा का मैच है और T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 13 ग्रुप ए जो कि दो टीम्स के बीच होगा जिसमें एक तरफ है कनाडा तो दूसरी तरफ है आयरलैंड। यह मैच 7 जून को न्यूयॉर्क में नासुआ इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। वेदर रिपोर्ट की बात किया जाए तो न्यूयॉर्क में मौसम का अनुमान है कि मैच के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। रेन चांसेस 33% रहेगी। ह्यूमिडिटी 74% टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहेंगी। पिच एनालिसिस की बात करें तो न्यूयॉर्क में पीछे T20 बैटर्स के चुनौती पेश करती हैं और ये दो गति वाली विकेट T20 में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तीज और सपाट पीच से अलग है। पिच रिपोर्ट से बात करें तो विनिंग परसेंटेज देखें तो फर्स्ट बैटिंग विनिंग परसेंटेज है 0%, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 100%। एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 77 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 80। और हेड टू हेड की बात करें USA फर्स्ट और आयरलैंड का हुआ है 1। आयरलैंड शॉर्ट एंड से बात करें तो आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप में एक्सपीरियंस एंड टैलेंट यंगस्टर का मिश्रण है। कप्तान पॉल और स्टीविन और स्ट्रिंग टीम को लीड करेंगे जबकि पिछले साल इवनिंग में 28.50 के औसत से 530 रन बनाने वाले एंड्रयू वन भी टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। युवा बैटर्स हैरी ट्रेकर और नॉर्थन टक्कर बड़े शॉट में लगा सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में कर्टिस सिंह और कैम्फर्ड को जॉर्ज डेलाने बैटिंग लाइनअप पर वेरिएशन और डेप्थ प्रदान करते हैं और मार्क एरन टीम की बॉलिंग अटैक को लीड करते हैं। उन्होंने अपनी पिछली 19 इनिंग में 15.64 की शानदार एवरेज के साथ 34 विकेट लिए थे और लिंग स्पिनर और बेन वाइट एंड मीडियम पेस बॉलिंग में बैरी मैकाथी ने भी टीम के लिए अच्छा किया था और पिछले साल दोनों ने 18 विकेट लिए थे और क्रमशः 22.61 की और 26.33 की एवरेज के साथ जॉस लिटिल टीम के एक्स फैक्टर होंगे। उन्होंने IPL में खेलने का उनको अच्छे से एक्सपीरियंस है। आयरलैंड प्रोडक्शन की प्लेइंग आर्डर की बात करें तो पॉलिस स्ट्रेलिंग एंडी बार्बलिनी और लॉर्कन टॉकर और हैरी ट्रेकर जॉर्ज डॉक्रेल और ग्रेट डेलिनी है और कर्टिस कैम्पहोल और मार्क एंडर बैन एमसी कार्थीन और जॉस लिटिल बैन वाइट। बात करें कनाडा शॉर्ट एनालिसिस की तो साधवी सरफर को टीम ने USA के खिलाफ पहला मैच गवा दिया था और टीम इसके बाद उबरना चाहेंगे और यह वर्ल्ड कप में उनका पहला मैच होगा और टीम मजबूत प्रदर्शन करना चाहेगी। कनाडा कप्तान इस मुकाबले में अपने बैटर्स को मजबूत प्रदान करने की उम्मीद करेंगे और इस मुकाबले में आरओ जॉर्ज और नवनीत धालीवाल और टीम को अच्छी शुरुआतें देनी होंगी। इस मैच में मिडिल ऑर्डर का रोल इंपॉर्टेंट होगा और उन्हें वर्ष और हर्ष उठाकर निकोलस कीटन और सीरियस मोवा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे और साथ बीन जफर और दिलप्रीत बाजवा लोराडर में अच्छा प्रदर्शन करने और अपनी हिटिंग एबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बॉलिंग में साथ बीन जफर को आगे बढ़कर लीड करना होगा और यह वर्ड डीलर और हाई लीगर के साथ और मैच में शुरुआती विकेट लेने की कोशिश करेंगे। हर्ष ठाकर के जर्मी और गार्डन के बीच पीच पर इफेक्टिव हो सकते हैं मिडिल ओवर में और कलीम सना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। स्लेंगारी की बात करें तो आरोन जॉनसन नवनीत धालीवाल और निकोलस किफ्टन और परगत सिंह और आर पथन और सीरियस मोवा और साद बीन जफर और रविंद्र पाल सिंह और डिलॉन हेली गुजर और जेरी लंग जॉर्डन और कलीम सना। बात करें ड्रीम प्लेइंग जैसे टीम की बात करें गाइस तो विकेट कीपर में है सीरियस मोवा और बैटिंग शामिल है स्टीवन टेलोर आरोन जॉनसन हैरी टेकोर एंड्रे बैलरिंग बॉलर्स में शामिल रविंद्र पाल सिंह और जेरेमी गॉर्डन और जॉस लिटिल और रनिंग में शामिल है पॉल स्ट्रेलिंग और कुर्टिस कम्फर्ट और जॉर्ज डॉकरेन। प्रेडिक्शन की बात करें तो अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीम के फन और स्ट्रेंथ को देखते हुए आयरलैंड थोड़ा आगे है और लेकिन कनाडा को भी टीम वीक ना समझे और टीम किसी को भी हरा सकती है और कंडीशन को देखते हुए मैच का विनर आयरलैंड हो सकता है।